अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मैं डिनर प्रिपेयर करने जा रही हूँ। गाइस एक रेसिपी, उसका पहले से प्रिपरेशन करना होगा। उसके लिए हमें 2 कप सांवा का आटा, सांवा के चावल का आटा लेना होगा। उसमें साबुदाना 1/4 कप पीस के, और उसमें थोड़ा सा दही और पानी मिला के उसको अच्छा घोल रेडी कर देंगे, जैसे मैं बना रही हूँ। और उसमें सेंधा नमक मिला के खूब अच्छे से उसको फेटेंगे, फेट के ऐसे ही घोल प्रिपेयर करेंगे। छः 7 घंटे पहले बना के रख देंगे और इसको ऐसा प्रिपेयर करके इसको ढक के रख देंगे। इसकी सब्जी आपको सभी लोगों को आती होगी, इसकी सब्जी इतनी टफ नहीं है, इतना इजी है। ये तेल डाल के उसमें जीरा और खड़ा लाल मिर्च डाल के फिर लौकी को डाल के भून लेंगे और फिर उसमें सेंधा नमक डाल के इसको बना लेंगे। सिंघाड़े का हलवा बनाने जा रही है। इसमें कढ़ाई में घी डालेंगे, घी अच्छे से होना चाहिए। फिर उसमें 1 कप सिंघाड़े का आटा डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। ये भून जाने पे अच्छा सुगंध आने लगे और कलर चेंज हो जाए तो मैं उसमें थोड़ा सा शक्कर और इलायची, जिसको कार्डमम बोलते हो, उसको कूट के डाल दूँगी और पानी मिला के इसको मैं एक प्लेट में ग्रीसिंग करके जमा लूँगी। बाद में सांवा के चावल का जीरा राइस बना रही हूँ। जीरा राइस जैसे सेम बनता है और राइस का, वैसे ही बनाऊँगी। थोड़ा मैंने इसमें काजू ऐड किया है और पानी भी थोड़ा नॉर्मल चावल से थोड़ा कम पड़ता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से अष्टमी और नवमी, आज दोनों चीज़ है ना, तो दोनों की शुभकामनाएं। शाम से नहीं, दोपहर से स्टार्ट हो गया है नवमी, तो आज बहुत तैयारी चल रहा है और मैं बहुत थक भी गई हूँ और मेरे पैरों में मसल्स पेन हो रहा है। इस वजह से आज शाम से ही मैंने ब्लॉग तैयार किया है। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? गाइज अभी हम लोग का खाना वाना हो गया है। आज बहुत लेट हो गया, 8 बज गया फलहारी खाने में। सबका आज फलहारी ही था, तो आज मैं जो बनाई हूँ वो तो रेसिपी आपको शेयर किया ही है मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरा वेज थाली बन गया था आज मेरा। और शाम को हम लोग मार्केट थोड़ा गए थे, कल नवमी की पूजा है तो उसके लिए भोग के लिए कुछ सामान लाना था और कुछ चूड़ी बिंदी सिंदूर हमारे इधर चढ़ता है तो उसके लिए भी सामान जो लेके आना था उसके लिए हम लोग को मार्केट जाना पड़ा था। तो थोड़ा लेट हो गया इसलिए 8 बज गया मुझे खाना वाना खाते होते। और कल के लिए अभी से ही मैंने सफाई वफाई भी कर लिया है, सब कुछ करके अब हम लोग फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह 7 बजे तक ही नवमी है, उसके बाद तो दशहरा हो जाएगा, तो 7 बजे तक नवमी की पूजा हो जानी चाहिए। तो मैं इसलिए सुबह 4 बजे से उठ के
खाना मतलब नहाने के बाद ही खाना पीना जो बनता है भोग वगैरह बनेगा और वही प्रसाद हमारा दुर्गा जी को चढ़ेगा। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ अब सोने सो के, नेक्स्ट कल मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, ये मैं चने की सब्जी बना रही हूँ। सारा प्रिपरेशन हो गया है, सफाई भी हो गई है और ये पूड़ी तल रही हूँ। कुछ पूड़ियाँ बना ली हैं मैंने और पूड़ी तलने के बाद हलवा भी बन जाएगा। मेरा तैयार हो गया है, मैं चढ़ाने जा रही हूँ भगवान को। उसके बाद हम लोगों का प्लानिंग कुछ अलग है, हम लोग जाके कुछ गरीबों को खाना खिलाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। अभी मेरा सब तैयारी हो गया है, पूजा हो गया है और मैं नौकन्या खिलाती थी आज के दिन। आज नवमी भी है, 7 बजे तक था तो पूजा तो हो गई मेरी नौमी की, बट मैं आज नौकन्या नहीं खिला पाई तो इसकी वजह से मैं जा रही हूँ गरीबों को खाना खिलाने। कुछ ज़्यादा गरीब नहीं है, थोड़े बहुत हैं, उनके लिए मैंने घर में ही खाना बनाया है, पूड़ी और चने की, जो आपको मैं दिखाया था, चने की सब्जी और हलवा सूजी का, वही मैं खिला दूँ। मेरा सारी तैयारी हो गई है, अब मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं खाना देने के लिए गरीबों को। ज़्यादा हम लोगों ने तैयारी नहीं किया है, हर साल तो हम नौकन्या बुला के खिला देते लेकिन इस कोविड में हम लोग ये नहीं कर पाए। देखिए, मेरे बेटे के साथ मैं बैठी हूँ, उस वो भी बोल रहा है, जाने की जिद कर रहा है, बट हम उसको नहीं ले जा सकते ना इस टाइम में, मैं और मेरा हस्बैंड। अच्छा, मैं अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मुझे इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना।